हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ मुस्कान एंड वेलकम टू मुस्कान किचन। आज की रेसिपी है कैपेचिनो। रेस्टोरेंट स्टाइल कैपेचिनो हमने घर पे बनाया है। बहुत ही बढ़िया कैपेचिनो बनी है और देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। तो यहाँ हमने एक डीप बॉल लिया है। 1 टीस्पून हम इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर डालेंगे और 2 टीस्पून हम शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं। 2 टीस्पून हमने ले लिया है वॉर्म मिल्क। जितनी हमने शुगर डाली है अकॉर्डिंग टू दैट मिल्क भी उतना ही होना चाहिए। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए स्पून से हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। बीटर से इसे बीट करना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप फोक या विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे कंटिन्यूस ऐसे ही 4 to 5 मिनट बीट करने के बाद इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। देखिए कलर चेंज हो गया है और ये बहुत क्रीमी बन गया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। फुल क्रीम मिल्क मैंने लिया है 1.5 कप। अब इसे हम कर लेंगे बॉयल। देखिए मिल्क बॉयल हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक जार लिया है। इस जार में हमें मिल्क डालना है और मिल्क फुल नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने मिल्क इसमें ट्रांसफ़र कर दिया और हम इसे टाइटली लिड से कवर कर लेंगे। हमने इसे कवर कर लिया और इसे अच्छे से शेक करें। 2 to 3 मिनट्स हमें कंटिन्यूस ऐसे ही शेक करना है। 2 to 3 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चेक कर लेंगे, लिड निकालेंगे और अब देखिए कितना झाग आ गया है ऊपर। हमने 3/4 जार मिल्क लिया था और देखिए ये फुल हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना हमें ऐसा ही झाग वाला मिल्क चाहिए परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल कैपेचिनो बनाने के लिए। कॉफ़ी कप लेंगे। अब इस कप में हम ऐड करेंगे कॉफ़ी मिक्सचर जो अभी हमने बनाया था। देखिए कितना क्रीमी लग रहा है, परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर बन गया है, देख सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे मिल्क जो अभी हमने बनाया था झाग वाला मिल्क। इसे अच्छे से ऐड करें। इस झाग से जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए मैंने एक हार्ट शेप का डिज़ाइन दिया है टूथपिक को यूज़ करके। देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल कैपेचिनो बनके रेडी है।